बहुत ही पुरानी सुरंग है ये, राजाओं महाराजाओं की है। तरह तरह की आवाजें आ रही हैं। ये लगभग बताया जाता है कम से कम हमारे हिसाब से 500-600 वर्ष पुराना। अकबराबाद में वजीर को मरवा दिया, अच्छा हाथी के पैर से मरवा दिया, उसकी कब्र वो बनी है सैयद बाबा बोले जाते हैं। दिल्ली के कमाई और चपर रम गमाई प्राण पखीर उड़ जाते हैं लेकिन चिता जला करती है, बिछड़े साथी कभी न मिलते। हेलो गाइस, टाइगर टीम चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम आ गए हैं आपके लिए एक और नई ब्लॉग लेकर के, और दोस्तों आज वो ब्लॉग रहेगा हमारा ऐतिहासिक। और दोस्तों आज हम लोग चल रहे हैं, एक राधा कृष्ण का मंदिर है और वो भी एक अकबर के किले पर है। तो आज हम लोग चल रहे हैं किले पर, जो बहुत ही वीरान रहस्यमय किला है। तो चलते हैं दोस्तों और आपको दिखाते हैं वहाँ का रूट कि कैसे आप लोग वहाँ पहुँचेंगे और वहाँ का जो इतिहास है वो जानेंगे वहाँ के ग्रामीणों से। तो दोस्तों चलते हैं आगे। आज हमारी टाइगर टीम निकल चुकी है एक नए स्पॉट पर, नई जगह पर, और देखिए हमारे साथ हमारे सभी टाइगर चल रहे हैं। दोस्तों दिखाते हैं आगे। देखिए दोस्तों हम लोग आ गए हैं मुगल रोड पर। आज हम लोग जा रहे हैं चपरघटा के रहस्यमय किले पर और हमारे साथ में है दीपू भैया। कैसा है दीपू भैया आज का नजारा? और जो स्पॉट है कैसा है आज का? बहुत बढ़िया स्पॉट है भैया जहाँ हम लोग चल रहे हैं। अच्छा हाँ, और फिलहाल दोस्तों अभी हम लोग रास्ते में एक पेट्रोल पंप पड़ेगा तो हम लोग वहीं पर अपने गाड़ी में जो है ईंधन भी डलवाएंगे क्योंकि उसके बगैर चलना तो भैया बेकार है। देखिए हमारे आगे जा रहे हैं देवेंद्र भैया और दर्शकों को हाय बोल रहे हैं। तो फाइनली दोस्तों हमारा जो ईंधन बनाने का अड्डा है वो आ गया है। अब देखिए दोस्तों हमारी गाड़ियाँ जो हैं वो क्रम से जा रही हैं पेट्रोल पंप पर और वहीं अपना ईंधन भराएंगी, उसके बाद निकलेंगी आगे की ओर। देखिए दोस्तों गाड़ी में ईंधन पड़ रहा है। तो दीपू भैया गाड़ी में खुराक डलवा दी? हाँ बिल्कुल, भोजन हो गया उसका। भोजन हो गया, इसके बाद अब चलें आगे। देखिए दोस्तों ये हमारे गोलू भैया हैं जिन्होंने हमारी गाड़ियों में खुराक दी है और इनकी बदौलत आज हमारी गाड़ी आगे की ओर बढ़ेगी। हाँ तो सभी दर्शकों भैया बोल दें हाँ एक बार, और बोल दीजिए सभी को चैनल सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों हम लोग अभी रास्ते पर हैं और देखिए आप लोग सनसेट होने जा रहा है और जो हमारा आज लक्ष्य है, जहाँ टारगेट है, जहाँ हम लोगों को जाना है, वो मंदिर यहाँ से, वो किला यहाँ से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर है और हम लोग लगभग 1 किलोमीटर का सफ़र अभी तय कर पाए हैं। देखिए दोस्तों कितना सुंदर नज़ारा है और काफ़ी पेड़ भी लगे हुए देख रहे होंगे आप लोग। और यहाँ पर जब बाढ़ आ जाती है क्यों दिखू यार, तो यहाँ शायद पानी ऊपर तक भर जाता है। ये जो आप खम्भे देख रहे हैं यहाँ खम्भों के पोल तक पानी जो है भर जाता है। दोस्तों हमारे साथ हमारी टाइगर टीम के 2 मेंबर ये पीछे आ रहे हैं, अभिषेक सविता जी और बोली भैया। देखिए दर्शकों को हाय बोल रहे हैं और हमारे आगे जो है गाड़ी जा रही है, ये देखो आप लोग देख रहे होंगे इसमें है देवेंद्र भैया और हमारे तिवारी जी। दोस्तों अब चपरघटा जहाँ आज हम लोग जा रहे हैं वो लगभग अब 2 किलोमीटर की दूरी पर ही रह गया है। अभी यहाँ पर सेंगुर नदी पड़ेगी जो आप लोगों को हम दिखाएंगे अपनी वीडियो के माध्यम से। दोस्तों ये रास्ता क्योटरा बांगर की ओर गई है। दोस्तों आप लोग वीडियो में देख रहे होंगे एक रास्ता ये नीचे जा रही है, ये भी चपरघटा के लिए ही जाती है रास्ता और ये यहाँ का पुराना रास्ता है। जैसा कि दीपू भैया ने बताया हमको ये यहाँ का पुराना रास्ता है। दोस्तों अब हम लोग आ गए हैं चपरघटा के पुल पर और आपको यहीं से दिखाते हैं यहाँ का विजुअल। जरा दीपू भैया गाड़ी रोकें तो हम अपने दर्शकों को यहाँ का जरा नज़ारा दिखा सकें। भैया आप हमारे दर्शकों को कुछ बताना चाह रहे थे, यहाँ पर कुछ सुरंग है, कुछ रास्ताएं बनी हुई हैं, जरा बताएं दर्शकों को। देखिए यहाँ मुगलों के जमाने में जब अकबर का राज हुआ करता था जी, जो किला बनवाया था तो ये यहाँ सुरंग बनवाई थी, यहाँ हाथी घोड़ा। अच्छा अच्छा, हाथी घोड़ा उसके आकर के पानी पीते थे। देखिए दोस्तों आप लोग सुरंग देख रहे हैं जी, और ये सुरंग बनी है जो सामने देख रहे हैं। हाँ हाँ दिखाइए, सुरंग बनी हुई है जी, और ये बराबर में मजार बनी है जी। ये आप यहाँ इनका पूजा पाठ नवाज वाज अदा करते थे जो। अच्छा अच्छा अच्छा, वही जमाने की जगह बनी हुई है जी। तो जहाँ पर आज हम लोग खड़े हैं इसको क्या चपरघटा का पुल बोलते हैं? चपरघटा का पुल बोलते हैं, ये नया नीचे वाला जा रहा है, ये पुराना पुल है। अच्छा ये पुराना पुल है, ये अकबर के जमाने की
अच्छा अच्छा, ये अकबर के जमाने का पुल है। और देखिए दोस्तों, हमारे दो टाइगर टीम के मेंबर ये खड़े हुए हैं, देवेंद्र भैया और तिवारी जी हमारे हाय बोल रहे हैं। ये सेंगुर नदी है और ये सेंगुर नदी है जो बीच में बह रही है। दोस्तों आप लोग देख रहे होंगे यहाँ का नज़ारा। देखिए दोस्तों, ये चपरघटा के पुल से आप देखिए नीचे ये नज़ारा है पुल का, कितना पुराना पुल है। नीचे लोग मछलियाँ पकड़ रहे हैं। और देखिए ये कितना अच्छा नज़ारा है, सनसेट हो रहा है धीरे धीरे। दोस्तों अब हम लोग पुराने वाले रास्ते से चपरघटा गांव के अंदर जा रहे हैं और ये वहां का पुराना रास्ता है, चढ़ाई भरा रास्ता है जहां बाइक चलाना बहुत ही असंभव कार्य है, जिसको हमारे दीपू यह कर रहे हैं और बहुत ही धीरे धीरे से बाइक को ले आए नीचे। और हमारी टाइगर टीम के और मेंबर जो हैं वो भी आ गए हैं फाइनली, ये देखिए चले आ रहे हैं। देखिए हाय बोल रहे हैं, बोली भैया सभी दर्शकों को। और ये हमारे टाइगर टीम के मेंबर आगे निकल गए और दो टाइगर टीम के मेंबर हमारे आगे खड़े हुए हैं। देखिए दोस्तों, आप लोग वीडियो में देख रहे होंगे ये सेंगुर नदी है, देखिए इसका बहाव। और ये देखिए हमारे टाइगर टीम के जो मेंबर हैं वो यहाँ बैठे हैं, देवेंद्र भैया और सारे मेंबर्स यहाँ टहल रहे हैं। तो भैया कुछ कहना चाहेंगे सेंगुर नदी के विषय में? सेंगुर नदी ये यमुना जी की सहायक नदियों में से एक है जी। ये आगे चल के अभी आपने पिछले वाले वीडियो में देखा होगा जी, जो उत्तरवाहिनी यमुना जी होती हैं जी, उसी समागम में मिल जाती है। अच्छा अच्छा, तो एक प्रकार से छोटा संगम कहिए आप इसको। अच्छा, जो यमुना जी हैं अपनी, हाँ, यमुना जी हाँ, मुक्ता देवी के नीचे है, तो यहाँ समागम है इनका। अच्छा, उधर से उत्तरवाहिनी यमुना है, यमुना ही, लेकिन और उसके बाद वो पूर्व की ओर चली जाती हैं, तो इसलिए दोनों को मिलना समागम हो जाता है यहीं पर। और सेंगुर नदी इति यानी अंत है इसका। अभी आप लोग देख रहे थे, हम लोग अभी हाईवे ऊपर खड़े थे और आपको उसी पुल से उन्होंने दिखाया था इसका नीचे का नज़ारा। और हम लोग अभी नीचे आ चुके हैं, ये सनसेट हो चुका है और सारे मेंबर सब अंदर जो है मंदिर और एक जो खंडहर आपका जो पड़ा है किला, जिसमें आज एक गाँव बस चुका है चपरघटा नाम से, तो वो दिखाएंगे भी आप लोगों को। और अभी हम बता रहे थे आप लोगों को कुछ इस तरह नज़ारा है इसका। और देखिए ये कुछ पीछे का व्यू है, देख रहे हैं आप लोग। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं और फिर किले की ओर आपको दिखाते हैं। दोस्तों फाइनली हमारी टीम अब निकली है किले की ओर जाने के लिए। और ये जो रास्ता आप लोग देख रहे हैं, ये रास्ता सीधे आपको ले जाएगा किले की ओर। और ये आप लोग देख पा रहे होंगे दोस्तों वीडियो में, ये जो दीवारें दिख रही हैं, ये आपको लग रहा होगा देख करके, ये मुगल काल की दीवारें हैं, उसी समय की दीवारें हैं ये। और आज हम लोग इसी टाइप की और भी चीज़ें आपको दिखाएंगे। दीपू भैया, ये आप कहाँ पर आए हैं हम लोगों को लेकर के? अभी भैया हम चपरघटा आए हैं, जो राजा महाराजाओं का जो पहले पीछे मकान थे। अच्छा अच्छा, ये उन्हीं की एक सुरंग है ये जी, जो बताते हैं, हमने भी सुना है कि ये अच्छा, दिल्ली से ज्वाइंट है ये। अच्छा हाँ, ये दिल्ली से ही वहाँ निकलते थे, यहीं पर आते थे। अच्छा अच्छा, ये हमने सुना है ये। अच्छा, मुगल काल के समय की ये लग रही है? हाँ, उसी समय की है ये। अच्छा अच्छा, तो इसमें क्या हाथी वगैरह जाते थे क्या? हाथी नहीं, घोड़े वगैरह, ये निकलने का साधन जो संसाधन पहले चलता उनका। अच्छा अच्छा, वही सब चीजें थी इनमें। अच्छा, सामान वामान सोना चांदी वगैरह सब ले जाते थे, ये सब चीजें उन्हीं। गुप्त रास्ता था, इसको नहीं बोलते गुप्त रास्ता बना करती थी पहले। अच्छा अच्छा, अंदर जाकर दिखाए हमारे दर्शकों को जहाँ तक संभव हो सके, देख लेना अंदर घड़ियाल वगैरह ना हो। ये देखिए दोस्तों, बाघ। अब आपको दिखाते हैं, ये सुरंग है जो यहाँ से राजा लोगों के। हाँ भैया, हो सकते हैं क्योंकि बहुत ही पुरानी सुरंग है ये, राजाओं महाराजाओं की। तरह तरह की आवाजें आ रही हैं, कुछ ये गुम्मत नुमा है। अब ये क्या है, अभी यहाँ के गांव वालों से हम लोग संपर्क कर इसको पूछेंगे। बाकी इसकी आप नक्काशी देखिए, इससे आप समझ रहे होंगे जो बना हुआ है ये किस काम में आता था। और ये बिल्कुल, ये जो पुल बना हुआ है उसी की ये पट्टी हुई है ये, तो राजा महाराजा टाइम पे इस तरह सब बनाया जाता था, हिसाब किताब ये। और देख पा रहे हैं बाकी इसका जो इतिहास है, जो चीज़ है, ये है क्या, ये वो गांव वालों से बताएंगे आपको पूछ करके। तब तक के लिए वीडियो में बने रहें और दोस्तों वीडियो स्किप मत कीजिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। अभी तो पूरा किला बाकी है और किले में बसा है गाँव, तो अभी आपको ले चलते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को अपने सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। ये दिख रहा होगा, ये इसको मुगल रोड कहते हैं।
कौन सा रोड? मुगल रोड, ये पुराना मुगल रोड, मुगल रोड यही है। ऊपर वाला नया पुल बन गया जी, जी। ये पुराना पुल है जो आपके बाबर ग्रैंडसन यानी अकबर ने एक युद्ध जीता था, उस युद्ध जीतने की खुशी में उन्होंने ये मुगल रोड बनवाया था अकबर ने। फिर इनका सन हुआ है औरंगजेब, उसने इसको और बढ़ाया। ये यूपी आगरा है, यानी यूपी आगरा से इसकी शुरुआत होती है। हाँ, और जो नाउ दिस टाइम लाहौर पाकिस्तान पुंछ राजौरी से होते हुए भी ये रोड गया है जी। तो इस समय हम जो खड़े हैं हम लोग खड़े हैं कानपुर यूपी, जहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी, आगरा यूपी थी। तो ये जाके आगे मिलकर चौडगरा में लगभग समाप्त हो जाएगा, ग्रैंड टैंक रोड में मिल जाएगा, यानी शेरशाह सूरी मार्ग जिसको जीटी रोड कहते हैं हम लोग, उसमें मिल जाएगा। चौडगरा तक ही इसका है। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा, जैसा कि भैया ने जानकारी ये सारी बताई है रोड के विषय में, आइए चलते हैं आगे और दिखाते हैं इस गांव का लुक कैसा है, ये गांव कैसा है, वहां का किला। सन 1600 में ये बनवाया गया, और भैया बता रहे हैं कि सन 1600 ईसा पूर्व में ये बनवाया गया था, जो 1727 में लगभग कंप्लीट हो गया, और इसका कुछ हिस्सा पाकिस्तान पुंज राजौरी वहां भी शामिल है। दोस्तों जब आप किले की ओर जाएंगे तो मार्ग में ही आपको सबसे पहले एक मज़ार दिखेगी। ये बहुत ही पुरानी मज़ार है और काफ़ी जर्जर हो गई है दोस्तों। मुगल शासक के टाइम का, बिल्कुल और ये मुगलों के समय की है। हल्का जाकर यहाँ दिखाएं, इसमें कुछ है, क्या अवशेष है अभी इस टाइम पे? देखिए दोस्तों फ्रंट से इसका लुक, काफी ऊंचाई में ये मज़ार बनी हुई है, देख रहे होंगे आप लोग। और ये आप लोग जब ही देख पाएंगे जब ऊपर वाले हाईवे से नीचे आएंगे। हाँ दोस्तों, जो पुराना पुल बना हुआ है चुपरगढ़ा को, हाँ जब आप लोग नीचे आएंगे तभी इस चीज को देख पाएंगे, तभी आप किला भी देख पाएंगे, और किला के लिए ये रास्ता गया है। हाँ, जो आपको दिखा रहे हैं अनुराग भाई हमारे। और दोस्तों अब ये देख रहे हैं जो ये मार्ग गया है, ये मार्ग किले की ओर गया है, और किले का पहले पड़ेगा दरवाजा। तो देखिए कैसे किले के दरवाजे हुआ करते थे उस टाइम पे, बहुत बड़ा दरवाजा है, आप उसको देखकर समझ जाएंगे कि हम लोग वाकई मुगल शासन काल के जो ये बना हुआ है, यहाँ हम लोग आ चुके हैं। तो आप कुछ ले चलते हैं वहीं उसी ओर। दोस्तों देखिए ये चपरघटा जो गाँव हम लोग बार बार वीडियो में बोल रहे थे, वो चपरघटा का बोर्ड लगा हुआ है, उसमें लिखा है खुले में शौच मुक्त। यहाँ इस गाँव में खुले में शौच नहीं की जाती, ये शौच से मुक्त है, वो भी खुले में। दोस्तों अब हमारी टाइगर टीम धीरे धीरे करके चपरघटा की ओर बढ़ रही है। किले के कुछ अवशेष बचे हुए हैं, उन अवशेषों को ही हम लोग आज दिखाएंगे आप लोगों को वीडियो में। तो चलते हैं दोस्तों आगे किले की ओर। दोस्तों लगभग 200-300 मीटर चलने के बाद हम लोगों को रास्ते पर एक किले नुमा ये एक द्वार दिखा है, आप लोग देख रहे हैं वीडियो में, बहुत ही पुराना द्वार है ये, किले का ही ये द्वार है जिसके अंदर आज पूरा गांव बसा हुआ है। तो दोस्तों आप लोग देख रहे हैं ये किले का द्वार, और राजा महाराजा इसी किले से अंदर जाते थे अपने घोड़े और हाथी द्वारा, और आप इससे अंदाजा लगाएं देख करके। और अभी आप ले चल रहे हैं, फिलहाल तो ये जो किला है इस टाइम ये गांव बन चुका है, चपरघटा गांव इसको कहा जाता है। पर आप इसके बाहरी आवरण से आप देखिए, पूरा ये किले के अंदर बीचों बीच गांव है। और स्टार्टअप जो आपको देख रहे हैं आप, ये किले का द्वार दिखाई दे रहा भाई ये, और देखिए हम लोग किले के द्वार पे सब लोग खड़े हैं। तो आइए सब लोग देखिए ये द्वार, दोस्तों इस तरह के द्वार हुआ करते थे पहले, ये किला है चपरघटा का किला बोलते हैं इसे। और अभी भैया ने बताया था कि मुगल शासक के समय का ये किला है, और क्यों भैया किसका किला है ये? अकबर का जी। तो ये अकबर का किला है, मुगलों के जमाने का है जी जी, और ये बहुत मजबूत किला बना हुआ है। दोस्तों देखिए ये किले की दीवारें हैं,
और ये सारी आज के समय में वर्तमान में जो है ये ध्वस्त हो गई हैं। आप लोग देख सकते होंगे, ये देखिए कितनी मोटी मोटी दीवारें हुआ करती थी उस टाइम पे। अब आपको अंदर ले चलते हैं प्रवेश द्वार से, आपको अंदर का नज़ारा दिखाते हैं। ये देखिए बहुत ही विशाल गेट है ये जो हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए इसकी गुलाई कितनी अच्छे ढंग से की गई है। दोस्तों ये गुम्बदनुमा आकार बना हुआ है, इसकी नक्काशी आप लोग देख सकते हैं और बहुत ही बड़े बड़े दरवाजे इस पर बने हुए हैं। आज भी आप लोग देखिए छोटे बड़े दरवाजे, सारी नक्काशियाँ और विशाल मोटी मोटी दीवारें जो कि मुगल शासक साम्राज्य में होती हुआ करती थी, आप लोग देख सकते हैं। और देखिए ये ऊपर गुम्बद, जैसे मंदिर मस्जिद इत्यादि में कभी गुम्बद हुआ करते हैं, बीच दरवाजे के बीच में गुम्बद है ये, आप लोग देख रहे हैं। ये देखिए और आपको समझ आ रहा होगा। और आज इसके अंदर एक गांव बस चुका है। देखिए दोस्तों हमारी आवाज़ें सुनकर कबूतर उड़ने लगे हैं। ये देखिए कबूतर ने अपना घोंसला बना रखा है यहाँ पर। आराम दिखाइए जरा कि हम लोग अंदर से जाइए दरवाजे के दिखता बाहर की ओर। ये देखिए आप लोग देखिए दोस्तों अंदर से बाहर का दृश्य देखिए जरा। देखिए दोस्तों ये बहुत ही विशाल दरवाज़ा है ये, इसकी बहुत ही मोटी मोटी दीवारें। देखिए दोस्तों हमारी टाइगर टीम के बीच में अचानक से भैंसे आ गई हैं, इससे पूरी टाइगर टीम तितर बितर हो गई है। यहाँ वहाँ अपना स्थान इन्होंने ग्रहण कर लिया है। तो बेटा कहाँ रहते हो आप? चपरघटा में रहते हो? तो यहाँ किला भी बना हुआ है क्या? अच्छा तो उस किले में रहते हो आप लोग? हाँ। अच्छा अच्छा तो किला यहाँ से अभी कितनी दूर है? थोड़ी दूर है बस। अच्छा ये कि जहाँ हम लोग खड़े हैं किले का द्वार है? हाँ। अच्छा दर्शकों को अपना नाम बता दो जरा। आर्यन। आर्यन, और हमारे जो दर्शक हैं उनसे बोल दो कि सभी लोग चैनल सब्सक्राइब कर लें। सभी लोग चैनल सब्सक्राइब कर दें। हाँ ये धन्यवाद। और देखिए दोस्तों हम लोग किले के द्वार से अब धीरे धीरे अंदर प्रवेश करते हुए, सभी हमारे मेंबर आगे आगे चलते हुए। ये देखिए दोस्तों यहाँ पर एक मंदिर बन चुका है जो हमने आपको बताया था कि ये चपरघटा गांव हो गया। अब देखिए कि ये किलों में गांव बसा हुआ है। ये देखिए इसके अवशेष हैं किलों के, देखिए आप दिख रहे होंगे, ये आज ये गांव बन चुका है। और हम लोग आ गए हैं चपरघटा में राधा कृष्ण मंदिर। ये हम सभी लोग आ चुके हैं राधा कृष्ण मंदिर में, जो हमने बताया था आपको पहले ही कि हम सभी लोग राधा कृष्ण मंदिर जा रहे हैं। यहाँ के हम लोकेशन दिखाते हैं आपको। ये देखिए वट वृक्ष, जो बरगद का पेड़, जो बहुत ही विशाल वृक्ष है ये। ये देखिए हमारे सभी मेंबर लोग खड़े हुए हैं। ये देखिए पानी का शुद्ध पेयजल। देखिए दोस्तों हम सभी लोग अब अंदर आ चुके हैं। जो आपको ये गेट दिख रहा है किले का, ये इस लगभग अब ये गांव बन चुका है क्योंकि यहाँ घर बन चुके हैं। पहले किला हुआ करता था, अब यहाँ पे सभी लोग घर बना के रहने लगे हैं। काफ़ी पुराना हो चुका है ये किले का दरवाज़ा जो आपको दिख रहा है। सभी लोग मंदिर की ओर बढ़ते हुए, जो हम आपको सब राधा कृष्ण रानी का मंदिर आपको दर्शन कराएंगे सभी लोगों को। ये देखिए हमारे सभी लोग अपने जूते चप्पल उतारते हुए। और ये देखिए प्रवेश द्वार कितना सुंदर बना हुआ है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से। इसमें देखिए कितने बढ़िया फुलवारी और ये पेड़ लगे हुए हैं। सभी लोग अंदर जाते हुए, और हमारी टीम अब अंदर पहुंच चुकी है और हमारे साथ में पुजारी जी भी खड़े हुए हैं। देखिए ये पुजारी जी हैं और हम लोग अब राधा कृष्ण मंदिर आ चुके हैं। देखिए ऐसे, और आप लोग देख रहे होंगे वीडियो भी, देखो दिखाई दे रहा है। सबसे पहले जैसे मंदिर में एंट्री करते हैं तो उधर तो दिखाइए पहले आप तुलसी माता का वृक्ष, जो आप लोग हर वीडियो में दिखाते हैं। तुलसी माता का वृक्ष ये है, तुलसी माता का वृक्ष जो आपको हर ही मंदिर में
हर जगह मिला होगा आपको देखने में जी। अब यहाँ देखिए माता अन्नपूर्णा का मंदिर बना हुआ है, देखिए ये स्टार्टिंग पॉइंट यहीं पे दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है देख सकते हैं। और दिखाइए मंदिर का पूरा रुपया राधा कृष्ण जी मंदिर है चपरघट्टा, जो आज किले के अंदर बसा हुआ है पूरा गांव। ये देखिए दोस्तों आइए बहुत दोस्तों हम दिखाते हैं भोले बाबा का मंदिर, जो ये हमारे भोले बाबा जी हैं। ये देखिए हमारे सभी हर हर महादेव, जय जय भोलेनाथ। मंदिर श्री राधा कृष्ण जी मंदिर श्री राधा कृष्ण जी, ये सर्वाकार सुनील कुमार पांडे जी हैं इसके, और इसमें से इसमें संभवतः ये बनाया उनके पूर्वज होंगे, उन्हीं के इसमें से इसमें बनाया। और पुजारी जी अंदर मंदिर में हमको बताएंगे कब से क्या होगा। पुजारी जी आप अपना नाम बताइए। शिव प्रसाद पांडे। कब से आप पूजा कर रहे हैं? 7 साल। तो यहीं पर रुकना, यहीं पर खाना पीना करवाने जाते हैं? अच्छा, देखते हैं। तो इसका समय क्या होता है मंदिर का, पूजा का? जी पूजा का मतलब बारी दर्शक आए इसको देखने, तो कैसे देख सकते हैं, कौन सा समय खुला रहता है बंद रहता है? 8 बजे तक मंदिर से खुला रहेगा। रात को खुलता है कितने बजे? सुबह खुलेगा वही करीबन 8 बजे। अच्छा, इनकी दिनचर्या क्या है आपकी पूजा विधि की? सुबह पूजा पहले झाड़ू पोछा, हाँ, फिर इसके बाद स्नान ध्यान पूजन, इसके बाद फिर क्या कहते हैं बर्तन धुलना इनके भगवान जी के, आरती शास्त्री करना, भोग लगाने बाद में। अच्छा, अगर मंगल है तो पहले बंधन चलेगा सब्जी का। अच्छा, मंदिर है शंकर जी के बाहर, वहाँ जाएंगे पहले पूजा यहाँ से करके। अच्छा, फिर वहाँ से लोग के जब आएंगे जो हमारे कपड़े पड़े हैं पहले के, हाँ, वो सब धोख पसारेंगे। अच्छा, इसके बाद में फिर हम जाएंगे जो दरवाजे। तो पुजारी जी हमारे दर्शक जानना चाह रहे हैं कि लगभग ये मंदिर कितना प्राचीन होगा? मंदिर तो ये नीम 100 साल से कम नहीं है जो खड़ी है। अच्छा, ये जो नीम खड़ी हुई है 100 साल से कम नहीं है, तो मंदिर उसी समय का है क्या? ये मंदिरों के पहले उसके पहले का मंदिर होगा, बनवाया गया होगा अभी, है ना? जीर्णोद्धार होते हैं। हाँ, जीर्णोद्धार तो मंदिर का होता रहता है। बाबा जी यानी सुनील कुमार पांडे जी। बाकी पुजारी जी मूर्तियाँ वगैरह जो है जो सब 100 साल वर्ष पुरानी मूर्तियाँ हैं? पुरानी मूर्तियाँ हैं। अच्छा, ये कह रहे हैं पंडित जी कि यहाँ जो मूर्तियाँ हैं वो अष्टधातु की हैं या कैसी हैं? पुरानी अष्टधातु मूर्तियाँ होंगी ना? हाँ, क्योंकि पुराने समय से उसी की पहचान हो जाती है मूर्तियों से ही कि ये पुराना मंदिर ही होगा। अष्टधातु की मूर्तियाँ पहले चला करती थी। ये थोड़ा सा मॉडर्नाइजेशन हुआ है मंदिर का। बाकी जो बगल में ये आपकी दीवार देख रही है जी, ये सब किले वाले की आकृत से ही बना था पहले मंदिर। देखिए दोस्तों, ये भैया बता रहे हैं दीवार है जो ये किले में ही मंदिर देखिए बना हुआ है, ये किले की ही दीवारें हैं जो दिख रही हैं आपको आसपास। चलिए दोस्तों, अब आपको लेकर चलते हैं राधा कृष्ण मंदिर की ओर, अंदर की ओर, और दिखाते हैं आपको वहाँ का विजुअल। ये देखिए दोस्तों, जैसा कि आपको पूर्व में वीडियो दिखाई है उसमें भी चौखट पहले पुराने मंदिरों हुआ करती थी, बहुत ही मोटी चौखट है। देखिए द्वारे तुम रखवारे हो दिन आ गया। बिल्कुल, तो ये पहले भगवान से इजाजत मांगनी पड़ती है। बिल्कुल, तो दोस्तों हम लोगों ने फाइनली इजाजत ले ली है, हम लोग अंदर की ओर चल रहे हैं, लाइट भी खोल ली हम लोगों ने अपने कैमरे की। तो दोस्तों अब हम आपको करवाते हैं राधा कृष्ण मंदिर में भगवान के दर्शन, भगवान के दर्शन, राधा रानी के दर्शन, कृष्ण जी के दर्शन। ये देखिए आप लोग कर सकते हैं। टाइगर टीम चैनल के माध्यम से आप लोग राधा कृष्ण मंदिर चपरघट्टा, ये किले के अंदर का मंदिर है ये, और आज इस किले में गांव बस चुका है, और उस गांव के बीच में एक मंदिर है राधा कृष्ण जी का, पुराना मंदिर है। अभी पुजारी जी ने बताया था कि ये जो सामने नीम खड़ी हुई है उसके 100 वर्ष पूरे हो चुके हैं, और ये उसके पहले का मंदिर है। तो देखिए दोस्तों, ये सारी पूजा पाठ की सामग्री इत्यादि रखी हुई है, और आप लोग देख पा रहे हैं ये मंदिर, और इस तरह की दीवारें हैं दोस्तों। इसका थोड़ा सा चेंजमेंट किया गया है, बाकी ये भी अवशेष के रूप में आप देखें तो ये पुरानी ही सब ये दीवारें हैं, ये पुराना स्टाइल से बना हुआ है। तो इसी से आप लोग सब अंदाज़ा लगा सकते हैं कि
कि ये जो है 100 वर्ष के ऊपर मुगल शासक के जो समय के उस टाइम का हो सकता है जिस तरह बताया जाता है ये। और देखिए कितना सुंदर मंदिर है, इतनी साज सज्जा रखी है, बढ़िया यहाँ पे है, विधिवत पूजा पाठ यहाँ होती है, पुजारी ने सारी चीज़ बताई अभी हम लोगों को यहाँ पर। और देखिए पुजारी जी खड़े हुए हैं और सारी देखिए ये सब मूर्तियाँ चारों तरफ भगवान के ही चित्र छायाचित्र लगे हुए हैं। देखिए आप लोग चारों तरफ देख सकते हैं आप लोग। और इधर देखिए पीछे कुछ ये दरवाज़ा है, देखिए पुराने समय का ही है ये। ये देखिए आपको दिख रहा हो, ये विश्राम घर है, पुजारी जी आराम करते हैं, इसे पूजा पाठ करते हैं, सारी चीज़ें ठहरते हैं यहाँ पर। और ये देखिए आकार से आप सब समझ रहे होंगे कितना पुराना जगह हम लोग पहुँचे हैं। तो दोस्तों हम लोग इसी तरह के वीडियो आपके पास लाते रहेंगे, बस थोड़ा सा मनोबल हम लोग बढ़ाते रहिए, चैनल सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए और शेयर करिए। दर्शकों को अपना नाम भी बता दें तो दर्शक हमारे जान जाए पुजारी जी क्या नाम है, अगर वो दर्शन करने आएंगे तो। शिवप्रसाद पांडे। शिवप्रसाद जी बहुत बहुत धन्यवाद टाइगर टीम चैनल माध्यम से, ये आपका शुभ नाम जानकर हम लोगों का। और पुजारी जी एक कवि भी है। अच्छा हाँ, रचनाएं बनाते हैं, उनकी काफी रचना हम सुन चुके हैं। अच्छा, हो सकता है कि अगर याद हो तो एक आध रचना भी आप अपनी सुना दो दर्शकों को टाइगर टीम के माध्यम से। जी बता रही तो आनंद आ जाएगा। तो फाइनली दोस्तों चलते हम लोग बाहर की ओर, तो बोलो बाके बिहारी लाल की। तो चलते हम लोग मंदिर के बाहर और अभी आपको पुजारी से कुछ जो उनकी कविताएं हैं वो सुनाएंगे। और देखिए सिंहवाहिनी जी ये बना हुआ है मंदिर, और देखिए ये आप लोग मंदिर का नज़ारा कुछ इस तरह का। और हम लोग अब आ गए हैं बाहर की ओर और अब चलते हैं पुजारी जी के पास और उनकी कुछ कविताएं हैं वो सुनेंगे हम लोग एक बार। साथी कभी न मिलते, बिछुड़े साथी कभी न मिलते, केवल यादें रहा करती मेरे मन हे मेरे मानस, मेरे मन हे मेरे मानस, तू क्यों व्यर्थ बिकल रोता है, प्राण पखेरू उड़ जाते हैं, प्राण पखेरू उड़ जाते हैं, बिछुड़े साथी कभी न मिलते, केवल यादें रहा करती है। कृष्ण भगवान की जय। कई कविताएं हैं जो इन्होंने लिखी हैं अपनी। जी जी जी, जिनमें अब काफ़ी समय हो गया इनका सानिध्य नहीं हुआ, नहीं पहले प्रतिदिन ये सुनाते थे। अच्छा, मुक्ता देवी भी आप रहे हैं और उधर विद्यालय में अध्ययन भी और अध्यापन भी कराया है और थाने में भी रहे, थाने में भी रहे। ये योग्य पुजारी जी हैं। अगर कोई और कविता सुनना चाहो तो पुजारी जी कुछ राधा कृष्ण जी के विषय में भी कुछ कुछ कविता हो, अगर आपने कोई भजन के रूप में जो आता हो कुछ कविता ही अपने मतलब जो आपने रची है वही सुनाना, थोड़ा अपनी वाली अपनी रचित कविताएं जरा सुनाया। रुचि भोग लगाओ श्याम तुम, वारुचि ग्रास उठाओ श्याम तुम, जिय ललचत देखन कहाँ तुमका, चाबी चाबी कछु खाओ श्याम तुम, रुचि रुचि भोग लगाओ श्याम तुम, प्रियदर्शी रस कन जीवन निधि, जूठन मोई खिलाओ श्याम तुम, रुचि रुचि भोग लगाओ श्याम संग। अब हम लोग पुजारी से भजन कीर्तन सुनने के बाद जो उन्होंने स्वयं रचित कविताएं उनकी हैं वो सब सुनने के बाद और ये चल रहे हैं हम लोग आगे किले की ओर। और अब आपको थोड़ा सा जो और भी किले का अवशेष है जो चीजें हैं इतिहास वो आप बताएंगे। तो अब सभी लोग अब राधा कृष्ण मंदिर से बाहर की ओर निकलते हुए अब आपको किले के अवशेष जो बचे हुए हैं वो दिखाएंगे, क्योंकि किले ही में ही ये सारा सारी बस्ती बस चुकी है जो आप लोग देख रहे हैं वीडियो के माध्यम से। और हम सभी लोग मुख्य गेट से बाहर की ओर निकलते हुए। दोस्तों हमारी टाइगर्स टीम अपने अपने वाहन लेकर आ रही है, क्योंकि जो गांव है ये किले में ही बसा हुआ है, उसको घूमने में काफ़ी समय लग सकता है, इसलिए सभी लोग अपने अपने गाड़ियों का प्रबंध कर रहे हैं और गाड़ियाँ लेकर ही अब हम लोग किले के अंदर की ओर बढ़ेंगे। किले क्या यहाँ पर अवशेष ही हैं और दरअसल में पूरा गांव बसा हुआ है, तो जहाँ जहाँ पर किले से संबंधित जो अवशेष मिलेंगे वो आपको दिखाए जाएंगे। देखिए दोस्तों हमारी टाइगर्स टीम अपने अपने वाहन लेकर आ गई है, ये देखिए। और भैया अपने वाहन पर सवार हो रहे हैं और हम ऑलरेडी अपने वाहन पर सवार हैं, तो दीपू भैया चलें। दोस्तों आप भी घूमिए चबरघटा गांव। देखिए दोस्तों आप लोग देख रहे होंगे ये पुराने घर बने हुए और पीछे देखिए किले की दीवारें बनी हुई हैं।
तो अब इससे आप अंदाज़ा लगा रहे होंगे ये किला जो है वो दरअसल में अब गांव में तब्दील हो गया है, केवल कुछ दीवारें बची हुई हैं। देखिए दोस्तों, ये देखिए अभी फ़िलहाल वर्तमान में देखिए यहाँ लोगों ने अपने आवास बना लिए हैं, लेकिन ये देखिए आप लोग, ये किला है। ये देखिए पुरानी ईंटें लगी हुई हैं किले की। देखिए दोस्तों, आपको दिखाने लायक कुछ चीज़ें हमको दिखाई पड़ी मार्ग में, तो इसलिए हम लोगों ने अपनी गाड़ी स्टॉप की यहीं पर और आप लोगों को दिखा रहे हैं। ये देखिए, पहले ऐसे किले हुआ करते थे, सभी क्षतिग्रस्त हो गए हैं एक्चुअल में, तो उनकी ये स्थिति बची हुई है। फिलहाल आप लोग देखिए। तो दीपू, यह अभी कितना गाँव बचा होगा? और भैया थोड़ा बचा होगा। किलोमीटर कितने होंगे मतलब, एक किलोमीटर दो किलोमीटर, कितना दायरा? करीब एक किलोमीटर तो हो गया। अच्छा अच्छा, एक किलोमीटर हो गया, अभी एक दो किलोमीटर और बचा हुआ है। चलिए दोस्तों, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं अपनी टीम के साथ। देखिए दोस्तों, ये किले की दीवार है, ये पीछे का हिस्सा है। ये आप लोग देख रहे हैं, काफ़ी पेड़ वेड़ निकल आए हैं यहाँ पे, इस वजह से वो समझ में नहीं आ रहा है। भैया दर्शकों को जरा, हमारे टाइगर्स टीम के माध्यम से हम लोग आए हुए हैं, जरा दर्शकों को अपना नाम बता दें, अपना शुभ नाम। चंद्रभान जी। तो आप चपरघटा में रहते हैं सर? जी सर। तो आप ये बताएं भैया कि ये कितना पुराना होगा किला, और किनके साम्राज्य का किला है, क्या यहाँ होता रहा है, कुछ दर्शकों को बताएं। किला है जी, और उसके बाद में मतलब जी नॉलेज नहीं है, बहुत पुराना है। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, काफ़ी पुराना होगा। तो मुगल साम्राज्य का है ये? अच्छा, तो यहाँ पर हमने सुना है कि हाथी वगैरह भी निकल जाते थे, आवागमन होता था उस तरफ से, नदी की तरफ से दिखता है, मगर जानकारी किसी को नहीं। अच्छा, नदी की तरफ हम लोगों ने सुरंग दिखाई, तो वो सुरंग, अच्छा, वहीं से हाथी वगैरह जाया करते थे, सामान वगैरह। जी जी। तो कुछ यहाँ पर और भी है कुछ दिखाने लायक? यही है। तो सारे जो आवास बने हुए यहाँ के, वो सारे अब जो है मतलब किले के अंदर ही बनाए गए हैं सारे घर? अच्छा जी। चलिए भैया, आपको टाइगर टीम की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। दादा सर, आपने शुभ नाम बताया दर्शकों को? मथुरा। अच्छा मथुरा। आप यहाँ चपरघटा में, ये अंदर यहाँ जो बना हुआ है ये किला, इसमें आप निवासी यहाँ के हैं? जी जी। तो दादा ये बताइए कि ये कितना वर्ष पुराना किला होगा लगभग? ये लगभग बताया जाता है कम से कम हमारे हिसाब से 500-600 वर्ष पुराना। अच्छा अच्छा। हाँ। अच्छा, तो दादा थोड़ा सा ये बताएं कि यहाँ का कुछ ऐसा इतिहास जो किले के बारे में, जो हमारे दर्शक नहीं जानते, जो लोग। इतिहास ये है जी, अकबर बादशाह का ये बनवाया हुआ है। अच्छा। वजीर का? जी, वजीर ने बनवाया था। वजीर ने बनवाया? उसमें बिल लग गए चुगल। अच्छा अच्छा अच्छा। चुगली कर दी कि पैसा सब खजाने का खाली कर दिया, वजीर सब पैसा खा गया। जी अच्छा। तो दिल्ली से चल रहा वो राजा फौज फाटा लेके, ठीक, आगे पड़ता अकबराबाद। जी जी, 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 जी। अकबराबाद में वजीर को मरवा दिया। अच्छा। हाथी के पैर से मरवा दिया। उसकी कब्र वो बनी है, सैयद बाबा बोले जाते हैं। अच्छा, जो हम लोग एंट्री किए थे वहाँ गेट से, तो पहले मजार बनी थी। मजार है जी, सैयद बाबा बोले जाते हैं। सैयद बोले तो वहाँ मरवा दिया जी। अच्छा। फिर उसके दिमाग में आ रहा था कि यार चल के देखें, तो यार जो बताया कि थोड़ा आगे और है, तो चल के देखे, जब आया तो देखा किला बढ़िया, खुश हो गया। तो जो चुगुल थे उनको भी मरवा दिया उसने। अच्छा। वही उनको भी दफन करा दिया। अच्छा, जो मजार उन्हीं की बनी हुई है। अच्छा, उसी में ये कहावत है, दिल्ली कमाई ये है कहावत। ये कहावत ही दद्दू, जरा अपने जवानी से बता दें जरा इस कहावत को एक बार, जरा अपने मुंह से क्या क्या कहावत है ये? दिल्ली के कमाई और चपा रम गमाई। अच्छा, ये कहावत है? कहावत जी जी जी। तो आप लमसम कितने वर्षों से रह रहे हैं यहाँ पर? अब हम अब हमारे 62-63 साल की उम्र हमारी, और बुजुर्ग खत्म हो चुके। अच्छा अच्छा जी। काफी पूर्वज भी रहते रहे यहाँ पर? 100 साल तो माने लो, 100 साल के ऊपर। 100 के ऊपर हमारे पिताजी 85 में खत्म हुए। अच्छा अच्छा। 28-29 साल हमारे उम्र। अच्छा, तो बाबा परदादा सब लोग रहे हैं। हाँ। तो दादा थोड़ा सा बताएं कि इस चपरघटा जो किला है, जहाँ अभी निवास कर रहे हैं। हाँ। इस किले के अलावा और यहाँ कुछ और ऐसी चीजें यहाँ बनी हुई हैं, या कुछ और कोई जो लोग यहाँ आ सके, घूम सके, देख सके, कुछ ऐसी चीजें? किला है जी, और ये शंकर जी का स्थान है पुराना। अच्छा अच्छा अच्छा। बस यही दो चीजें। तो ये पाताली शंकर जी, पाताली शंकर जी मंदिर है। तो भैया जी बताएं जरा कि कितना पुराना मंदिर होगा ये, जो जहाँ जाने बता रहे हैं? ये किले के साथ का है मंदिर, 300-400 वर्ष के पहले का, इससे कम नहीं होगा। 300-400 वर्ष, 1917 में शायद उनकी अकबर की वो चल रही थी, 1700 जी, तब से ही मंदिर है, तब से इसी मंदिर है। हाँ। जी भैया, क्या नाम आपका? जी सीलू नाम है। जी सीलू जी बता रहे हैं कि इतना पुराना ये मंदिर है। तो दोस्तों, अभी आपको उस मंदिर भी हम लोग चलेंगे लेकर घुमाने आगे, और बाकी हमारे सारे ग्रामीणों को बहुत बहुत धन्यवाद टाइगर टीम की ओर से, आप लोग उनको समय दिया।
दोस्तों नमस्कार। अगर हमारी चपरघटा की किले की और राधा कृष्ण मंदिर की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, एक ज़रूरी खास बात, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों अब हम लोग चलते हैं अन्य ब्लॉग की ओर, तब तक आज का ब्लॉग यही समाप्त करते हैं। चपरघटा किले का रहस्य आप लोगों को पहुँचाया, अब आप लोग समझना अच्छा लगे तो कमेंट करिएगा। तब तक के लिए शुभ रात्रि, हर हर महादेव।